हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अरुण। आप देख रहे हैं एनबीए सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्रूज शिप जॉब आफ्टर होटल मैनेजमेंट एज अ करियर। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देखो, एलिजिबिलिटी होना चाहिए लाइक कोई BHM कर रखा है, होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी ने लाइक कुछ और कर रखा है, जैसे इंजीनियरिंग कर रखा है, किसी कोई डांसर है, कोई सिंगर है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जा सकता है, कोई फोटोग्राफर है वो भी जा सकता है, कोई स्पा थेरेपिस्ट है वो भी जा ज्वाइन कर सकता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ह्यूज डिपार्टमेंट है, कोई डेक किसे कर रहा है, डेक इंजन के डिपार्टमेंट से वो भी जा सकता है। उसके बाद हम करेंगे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? एक्सपीरियंस देखो अराउंड 2 ईयर होना चाहिए। मेरा जो आता लाइक में 18 मंथ हो गया था मेरा जब एक्सपीरियंस, तो मैंने अप्लाई कर दिया था, तो मेरा ऑलमोस्ट 2 ईयर होते होते मैं ज्वाइन कर लिया था क्रूज शिप। बट अच्छे ब्रांड में मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक 5 स्टार होटल होना चाहिए मेरा। मैं तो ओबरॉय में था, ट्राइडेंट में था, तो मेरा हो गया था सिलेक्शन। अब प्रोसेस होने में उतना टाइम लग जाता है, लाइक 4-5 महीने मिनिमम, 3 महीने मैक्सिमम, 6-7 महीने इतना टाइम लग जाता है प्रोसेस होने में। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा जॉब प्रोफाइल क्या होती है। देखो, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, कंपनी मोस्टली क्रूज कंपनी डायरेक्ट मैनेजमेंट लेवल पे हायर नहीं करते हैं। ठीक है, वो करते हैं बेस लेवल पे, स्क्रैच लेवल पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होता है कोई कोई लाइक अगर रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट में है तो वो मोस्टली रेस्टोरेंट स्टीवर्ड से ज्वाइन करता है, रेस्टोरेंट स्टीवर्ड की असिस्टेंट वेटर। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कोई वेटर हायर कर ले, वो भी कंपनी का बहुत ज़्यादा जरूरी है तब हायर करते हैं, नहीं तो नहीं करती है। इसी प्रकार कोई अगर किचन में जाना चाहता है तो उसका क्या है, ठीक है, सबसे पहले गैली होता है, उसके बाद उनका कुक होता है, असिस्टेंट कुक होता है, तो कुक का असिस्टेंट कुक ये सब हायर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका टोरेंट होता है, सुपरवाइजर लेवल होता है, वहाँ पे बहुत रेयर करते हैं, मतलब ना के चांस होता है, तो ये है। उसके बाद मैं बात करूँगा ऑफ का क्या सीन होता है। देखो, वहाँ पर ऑफ शिफ्ट पे बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, जब तक आप अगर आपका 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट है तो 8 महीने आप काम करोगे, 6 महीने का है तो 6 महीने आप काम करोगे। ठीक है, ड्यूटी कैसी होती है, ब्रेक शिफ्ट में होती है। हाँ, ये है अगर आपको अगर मेडिकली फिट नहीं हो, बीमार हो गए, क्या कॉफ कोल्ड हो गया, कुछ भी फीवर हो गया, तो आपको छुट्टी मिलेगा। वहाँ पर ऑनबोर्ड डॉक्टर होते हैं, आपको अनफिट, ही इज़ नॉट एबल टू वर्क, ऐसा कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट दे देगा, तो आपको 12 आवर 24 आवर जैसा है डॉक्टर को लगेगा वैसा आपको रेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या शिफ्ट कैसी होती है। मोस्टली देखो, ब्रेक शिफ्ट होती है, आप ब्रेक शिफ्ट काम करोगे, या तो आप ब्रेकफास्ट में जाओगे करने तो लंच में ऑफ रहेगा, फिर डिनर में आपको काम करना पड़ेगा। कई बार ब्रेकफास्ट लंच डिनर में करना पड़ता है, कई बार आपको जैसे लंच में कर रहे हो, ब्रेकफास्ट में कर रहे हो, डिनर में कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कंपनी अपना सुपरवाइज़र कैसे बनाता है आपका शेड्यूल। ड्यूटी आवर कैसे होती है, ड्यूटी आवर देखो कितना होती है, 10 आवर मिनिमम, 10 आवर होती है मिनिमम, 10 मैक्सिमम 12। ठीक है, 12 से ज़्यादा बहुत ही नहीं होना के चांस होता है। ठीक है, क्योंकि उनका एक USPA से इंस्पेक्शन होता है, वो रैंडम कभी भी हो सकता है, तो कंपनी अपना पहले से हिसाब मैनेज करके चलती है कि किसी को 10-12 घंटे से ज़्यादा काम ना करवाए। ठीक है, इन अ वीक लाइक 74-75 आवर ऐसे काम करवाते हैं, नॉट मोर देन 80 आवर्स। ये कंपनी को रिस्क होता है क्योंकि रैंडमली इंस्पेक्शन हो जाता है तो वो ट्रबल में आ सकते हैं कंपनी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने का होता है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड देखो आपका डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी एंड स्टाफ जो होती है उनके पोजीशन लेवल के ऊपर कैसे। अगर बेस लेवल पे आपने ज्वाइन किया तो 8 से 9 महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट होगा, वही आप सुपरवाइजर लेवल पे हो तो लाइक 5 से 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऑफिसर लेवल पे हो तो आपको 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 3-3.5 महीने का। ठीक है, ऐसा होता है। अगर फिर छुट्टी होता है, जैसे बेस लेवल पे हो गया आपका 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 2 से 2.5 महीने की छुट्टी मिलेगा, सुपरवाइजर लेवल पे है तो आपको मिलेगा लाइक 6 to 7 वीक का मिलेगा आपको, अगर ऑफिसर लेवल पे हो आप तो आपको मिलेगा जैसे 5 से 6 हफ्ते का ऑफ, 3 महीने काम करो, 5 से 6 महीने आप जाओ ड्यूटी, फिर ऑफ, ऐसा है। उसके बाद प्रमोशन, देखो प्रमोशन का क्या सीन होता है। प्रमोशन इट्स डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस, हाउ यू परफॉर्मिंग विद द योर डिपार्टमेंट एंड ऑल दिस थिंग, ऐसा होता है।
उसके बाद क्या है सैलरी। देखो सैलरी क्या है, डिपेंड करता है, सैलरी आप बेस लेवल से स्टार्ट करते हो तो 8 to 900 के बीच में होता है, 8 to 900। उसके बाद वो जैसे आपको परफॉर्मेंस होगा वैसे प्रमोशन होगा, उस प्रकार से भी सैलरी बढ़ती जाएगी। वो है टिप्स। टिप्स का क्या है, मैं सैलरी के बारे में थोड़ा तो बता देता हूँ। सैलरी जैसे आप अगर रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट करें तो 800-900 से बीच के आसपास में आपने सैलरी है। प्रमोशन हुआ आपका, ठीक है, असिस्टेंट वेटर बन गए तो आपका 1200 समथिंग आएगा, वेटर बन गए तो करीब 1800, ये सब इतना एक बेसिक होता है। उसके बाद आपको होगा टिप्स, होगा ग्रेजुटी, होगा प्रमोशन, होगा ये सब आपको उसमें इंक्लूड होकर अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, ठीक है। वेटर का अगर सैलरी की बात करें तो टिप अगर सब कुछ मिला के 2000, 2200, 2500 ऐसे भी जाता है। अगर आप स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में करते हो, किसी कोई लाइक ब्राज़ीलियन रेस्टोरेंट हो गया, क्या लाइक जिसमें स्टेक वगैरह मिलता है, तो वो डिपेंड करता है, ज़्यादा भी हो सकता है, 3000 तक भी पहुँच सकता है वेटर का सैलरी, ऐसा होता है। टिप्स के बारे में बताऊँगा। देखो टिप्स बहुत अच्छा होता है अगर आप फ्रंट ऑफ द गेस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, आप अट्रैक्ट हो रहे हो गेस्ट से, बातें कर रहे हो, अपना रिलेशनशिप बना रहे हो, तो एंड ऑफ द क्रूज़ आपका अच्छा खासा टिप्स मिल जाएगा, ठीक है, लाइक 400, 300, 400 डॉलर मंथ का आपको हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। अगर आप बेस लेवल पे हो, कहीं पे पब्लिक एरिया में काम करो, तो आपको कैश टिप नहीं मिलेगा, जो आपको सैलरी में टिप आएगा इंक्लूडेड वही मिलेगा, इतना ही है। करियर देखो कैसा है, करियर मेरे हिसाब से अगर कंपनी क्रूज ज्वाइन कर रहे हो तो कम से कम 5 साल की कंपनी अगर वीज़ा दे रही है तो 5 साल करो ज्वाइन, ठीक है, ऐसा माइंड सेट लेकर चलो 5 साल कर रहे हैं। उसके बाद कुछ पैसे कमा के अपना बैंक बैलेंस बना लेना है, या फिर अपना जो करना है घर बनाना है घर बनाओ, या फिर कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है बिजनेस सेटअप करो, ठीक है। करियर डिपेंड करता है यार, वहाँ पे प्रमोशन भी अच्छा होता है, पैसा भी है, ठीक है, डिपेंड करता है आपको कैसा लगता है। पहले जाओ ज्वाइन करो, देखो कैसा लग रहा है, माइंड सेट से चलो, जो कुछ कमा के आना है कुछ करके आना है, ठीक है, ऐसे मत जाओ, ठीक है, गए ज्वाइन किया छोड़ दिया, मन नहीं लगा, काम तो होता है भाई, ठीक है, बिना काम किए पैसे नहीं देती कोई भी कंपनी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ कंपनी इंडिया में जो कौन कौन सी एजेंसी है जो फ्री में हायर करती है क्रूज़ के लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं बताऊँगा, अभी बता रहा हूँ लैंड पे क्या, हमारे इंडिया में हम क्रूज से जॉब करके आते हैं क्या एक्सपीरियंस होती है, उसकी काउंट होती है नहीं होती है। आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होती है उसकी, बहुत रेयर चांसेस, 90% नहीं होती है काउंट, क्योंकि आप जाते हो क्रूज़ पे, आप बेस लेवल से स्टार्ट करते हो सब कुछ, उसी कंपनी के हिसाब से आप काम करते हो। इंडिया में डिफरेंट स्टाइल से काम होता है और क्रूज़ पे डिफरेंट स्टाइल से काम होता है, तो 99% नहीं होता है काउंट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक द बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।